और कितने बच्चे सबको बुलाओ सब बच्चे चलो जी चलो कुछ इधर खड़े हो जाओ कुछ इधर आओ चलो अब मेरे हाथ पकड़ो सब लोग सिर्फ बच्चे पकड़ेंगे यार सिर्फ बच्चे पकड़ेंगे ओए बच्चे पकड़ेंगे यार पकड़ना हाथ चल मेरा हाथ पकड़ना सब आ गए चलो 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 सिर्फ बच्चे काटेंगे और कोई नहीं काटेगा ठीक है क्या बात है ओए होए होए ओए ताली बजाएगा यार ताली बजाओ पहले तू आ जा सबसे पहले तू आ जा फिर तू आ जा फिर तू आ जा फिर कहाँ गया तू आ जा चल अंदर चल ले इमा चलो इमा बेटा लो ये बाल काटू किसी के चलो आप बेटा आप लोग आगे चलो बेटा वहीं पे बुके दे दो बुके दे दो सर को बुके दे दो चलो थैंक यू साथ में खड़े रहना थैंक यू पकड़ वापस पकड़ सारे सारे पकड़ ले वापस थैंक यू चलें ये भी मेरे लिए क्या चलो ये ये चलो जी चलो मेरा दिल करता बंद कैची चलाओ बस कैची चलाओ कितने अरसे बाद मिले हम लोग कितने सालों बाद मिले करीबन पाँच साल कोरोना में मिले थे पहला कोरोना में कौन बचा पता हम लोग को जिन्होंने अच्छे काम किए थे जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए चलो चलो और अभी क्या होने वाला उनको छोड़ के गए कि अच्छे काम करो नहीं तो दोबारा आगे तो मिलेंगे तो वो लगता कोई बुरा काम कर तो कोई बुरा काम कर नहीं सकता अच्छा हम लोग इतने साल बाद मिल रहे हैं पाँच छह साल सर पहले बाइट ले लेते हैं बाल काटते हुए ऐसे नहीं वैसे इतना स्मार्ट होता ही ट्राई कर लो आज मैं बहुत अरसे बाद दोबारा अहमदाबाद आया हूँ और हम लोग इस सालों की ओपनिंग करने आए हैं पहले हमें समझना पड़ेगा जावेद हबीब है क्या जावेद हबीब एक तरह का सालों ब्रांड है लेकिन इसका बेस क्या एजुकेशन हमारी कम से कम 1000 शॉप चलती हैं कम से कम 20,000 लोग काम करते हैं बट हमारे यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी 70 अकेडमीज चलती हैं जहाँ हम लोगों को सिखाते हैं बाल काटना क्या है बाल काटने एक तरह का साइंस है लोग सोचते थे कि नाई का काम है मैं बोलता हूँ नाई का काम नहीं है एक तरह की साइंस है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन जो नाई का प्रोफेशन है और जब तक दुनिया चलेगी ना मेरा प्रोफेशन चलने वाला है कोविड के अंदर लोगों ने सारे काम किए लेकिन कोई बाल नहीं काट पाया तब सबको किसकी याद आई मेरी याद आई अब बात करेंगे गुजरात अहमदाबाद के अंदर बाल टूटता क्यों है आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखिए सब कुछ बाल काटना नहीं है बालों की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है गुजरात के अंदर पसीना है लेकिन रेत बहुत है जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ खुश्की है इसी वजह से आप देखना कि आपकी स्किन बहुत यहाँ इसमें बहुत डल नजर आती है आपके बालों में डेंड्रफ ज्यादा होती है तभी आपके बाल ग्रे जल्दी होते हैं तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर बहुत सिंपल है जिसको मैं बोलता हूँ भारत का तरीका है महंगा शैम्पू गारंटी नहीं होता है आपके अच्छे बालों का उसका आंसर क्या होता है स्वच्छ हेयर अब वो क्या है सबसे पहले आप लोग बाल गीले करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिर तेल लगाएंगे क्योंकि सूखे बालों पर तेल काम नहीं करता है तो उसके लिए हमारे बाल गीले होने चाहिए और ये कोई फॉलो नहीं करता तो पहले बाल गीले करेंगे तेल लगाएंगे कौन सा तेल लगाएंगे सरसों का तेल लगाओ सबसे अच्छा तेल फिर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और फिर शैम्पू करो लेकिन कब करेंगे ये रोज करेंगे जैसे आप लोग रोज मुंह धोते हैं रोज दांत धोते हैं अगर आप बाल धोएंगे ना आपके बाल कभी टूटने वाला नहीं है तो मैं क्या देता हूं मैं ये नहीं सोचता कि मुझे किसके बाल काटने हैं मुझे लोगों को बालों का ज्ञान देना है और जावेद हबीब इज एजुकेशन बेस्ड ब्रांड इट्स नॉट ए सैलून बेस्ड ब्रांड ओके अगर मैं इस प्रोफेशन की बात करूं हमारे स्कूल चलते हैं अहमदाबाद में भी चल रहा है सूरत में चलता है हमारा बड़ौदा में चलता है हमारा वापी में चलता है हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं 1 महीने से लेके हमारे 6 महीने के कोर्सेज हैं आप सोचिए कि 3 महीने का कोर्स करने के बाद में आप किसी भी सालों के अंदर जॉब ले सकते हैं और जो आपने पैसा लगाया है अपने कोर्स के लिए आप 4th महीने के अंदर उसको वापस लेके आ सकते हैं मैं मानता हूं कि इससे तेज पैसा कहीं नहीं कमाया जा सकता लेकिन उसके लिए आपको एजुकेशन जाना लेना पड़ेगा आपको पाठशाला जाना पड़ेगा ये नहीं कि आपको सर जावेद हबीब में जाना है गो टू एनी इंस्टीट्यूट टू लर्न द बेसिक हेयर साइंस अगर ये करेंगे आप हमेशा जीने वाले हैं हमारे जो बाल है ना ये क्राउन है
जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना, सबसे पहले पता क्या करते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं और क्या करते हैं, बालों को देखते हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं आपका दिन अच्छा है, और अगर आपके आपके बाल अच्छे नहीं है आपका दिन अच्छा नहीं है, यू बिकम वेरी नेगेटिव। और रात को सोने से पहले हम लोग दोबारा शीशे में जाते हैं, अपने अपने बालों को देखते हैं, तो दिन की शुरुआत बाल हैं और रात की शुरुआत बाल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जावेद अभी मॉर्निंग में, जावेद अभी नाइट में। ठीक है, कोई और किसी का क्वेश्चन? केमिकल्स स्टार्टिंग क्लिनिकल सलून, क्लिनिकल सलून इज अ फ्यूचर ऑफ दिस प्रोफेशन। देखिए दिस प्रोफेशन इज चेंज, it was known as a beauty parlor, then it became a salon, it became a unisex salon. Now the makeup has gone out, the nail has gone out, and I think the future is going to be a clinical salon. It means every salon will have a doctor, every salon will have a dermatologist, wo aapko batayega why you are losing hair. But if you follow my system, my process, it means you clean your hair every day. You don't have to go to a doctor. Just listen to me. Just wash it every day. What message would you like to send to the aspiring hair scientist? अगर आप सच्ची में बाल काटने का काम सीखना चाहते हैं, go to a school. Because आपके father आपको बाल काटना नहीं सिखा सकते, because ये profession change हो गया है. Go to a school and वहां जाके इसका basics सीखो. Doctor बनने के लिए आपको जाना पड़ता है medical college. और बाल काटना अगर सीखना चाहते हैं, you have to go to institute. Any institute, but you must be a qualified for, you should be a qualified hair doctor. I think this is the most important. And कोई काम छोटा नहीं है, ये कोई काम छोटा नहीं है, इससे बड़ा profession नहीं है दुनिया का। आपको एक अच्छा figure दूं, इस country के अंदर 3 crore सालों चलते हैं, और एक सालों के अंदर 3 लोग काम करते हैं। इस country की 9-10 crore population बाल काटने वालों की है, इतने तो doctor नहीं है, इतने बाल काटने वाले नहीं है। अब समझो ना, मतलब कितना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, लेकिन वो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आती है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों नहीं आती, बिकॉज दे हैव नेवर बीन टू अ कॉल, दे हैव नेवर बीन टू इंस्टीट्यूट टू लर्न द बेसिक साइंस। सो व्हाट आई एम सेइंग इट, 9 crore नाउ, मे बी आफ्टर 10 years, मे बी 15 crore, बट बेस इज द रियल एजुकेशन। Yes, इट्स अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी सलून एंड जावेद हबीब। यहाँ देखिए, इस प्रोफेशन का जो स्किलिंग है ना, इस शॉप जितनी अच्छे बन जाए, लेकिन इसका सोल क्या है, बाल काटने वाले। अगर वो स्कूल से आए हैं, दे विल टॉक लाइक अ डॉक्टर। आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस। व्हाट इज द स्पेशल इन दैट? एजुकेशन, एजुकेशन। वहां शायद आपके माँ बाप ने बाल काटना सिखाया, या आपने सिर्फ खड़े खड़े होके बाल काटना सीख लिया। बट वेन यू गो टू इंस्टीट्यूट, वेन यू स्पेंड 3 months ओवर देयर, यू नो द साइन, यू कैन स्टार्ट, यू स्टार्ट फीलिंग हेयर। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। आई मीन रनिंग 1000 salon इज नॉट इजी, रनिंग 1000 salon इन 30 states इज नॉट इजी, रनिंग 1000 salon इन 120 cities ऑफ इंडिया इज नॉट इजी, बिकॉज इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इट्स ए कॉन्टिनेंट। मतलब यहाँ 30 state का एक कंट्री है और मैं सब जगह हूँ। इसका मतलब ये है कि जावेद हबीब हैज बिकम अ पैन इंडिया ब्रांड, इज नॉट ए लोकल बॉम्बे ब्रांड और अहमदाबाद ब्रांड और इंडिया ब्रांड, इट इज इट्स अ भारत ब्रांड। एंड मैं जो बात करता हूँ कि बालों को साफ रखो, सरसों का तेल लगाओ, सालों में जो बाल जाके हेल्दी नहीं होते हैं, वहां हम लोग उसको सर लुक आफ्टर करते हैं। हेल्दी कैसे होते हैं, अगर आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान क्या है, स्वच्छ हेयर रोज, ये इसका आंसर है। जावेद भाई, ये प्रोफेशन को वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है सर? मैंने बताया ना, फॉरेन में सब लोग उसको ये प्रोफेशन को इतना इज्जत देते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं? जब इतनी हमारा कल्चर की वजह से लोग उसको भी मिनाई का काम बोलते हैं।